आज की हमारी देसी थाली ब्रेड में पूरी और आलू की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डुबकी वाले आलू बना रहे हैं, जिसके मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैं इसको हाथ से ही थोड़ा थोड़ा मैश करती जा रही हूँ और इसके बाद मैं इसका मसाला बनाऊंगी। मसाला बनाने के लिए हरी मिर्च, अदरक, धनिया, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची। थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में मैश कर लें। मसाला तैयार है, अब हम डुबकी वाले आलू बनाएंगे। एक बाउल में अब हम स्वादानुसार मसाले डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, धनिया पाउडर, हींग और सॉल्ट पाउडर, और साथ ही ये मसाला भी डाल देंगे। अपनी आवश्यकता अनुसार पानी मिला दें। अब इसमें ये मैश आलू डाल दें। गर्म हो गया, सबसे पहले इसमें जीरा डाल दें। अब ये जो हमने मसाला बनाया सारा, ये इसके अंदर डाल दें। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, फिर हम इसको फ्लेम को कर देंगे लो और फिर इसको धीरे धीरे पकाएंगे। डुबकी वाले आलू बनकर तैयार है। अब इसको धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। मैंने इसको लो फ्लेम पर 25 मिनट तक कुक किया। अब ये हमारे रेडी है सर्व करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चना दाल मसाला पूरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने आधी कटोरी चना दाल को 3-4 घंटे के लिए सोख किया। सोख करने के बाद धोने से अच्छी तरह ड्रेन कर दिया। अब सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने हींग, सौंफ, मोटा धनिया, ग्रेटेड अदरक, हरी मिर्च, जीरा और ये हींग, इनको सबको हम पीस लेंगे दाल के साथ, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिलाकर। मसाला पीस गया, मैंने इसको दरदरा पीसा। अब इसको निकाल के फिर मैं दाल पीसूंगी। दाल को पीसते समय मैंने 4-5 चम्मच पानी का उपयोग किया। दाल का पेस्ट तैयार है। 1.5 कटोरी आटा, 2 चम्मच सूजी, चाट मसाला, नमक, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और अजवाइन पेस्ट और ये मसाला, 1 चम्मच सरसों का तेल, इन सबको मिलाकर हम सबसे पहले आटा लगाएंगे। अब इसमें धनिया पत्ती और कसूरी मेथी ये भी मिला है। आटा तैयार है, इसको 10 मिनट रेस्ट पे छोड़े, फिर हम इसकी पूरियां बनाएंगे। आटा गूंथते समय ज्यादा पानी ना मिलाएं, थोड़ा ही देखकर ही पानी मिलाएं। ज्यादा पानी डालने से क्या है, फिर पूरियां बेलने में परेशानी होती है। आटे ने रेस्ट कर लिया, अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। गूंथ कर तैयार है, लोइयां भी तैयार है, अब हम पूरियां बनाएंगे। चकले पे हल्का सा तेल लगा लें और पूरी बेल लें। मैं पूरियां बेल रही हूं। अब इसको गरम तेल में फ्राई करें। देखें कैसे कितनी बढ़िया फूल के हमारी चना दाल पूरी तैयार हुई है। अब हम इन गर्मा गर्म पूरियों को सर्व करेंगे। चना दाल की शानदार ब्रेड में पूरी बनकर तैयार है।